हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो बहुत ही आसान सी रेसिपी, ऐसे दो चीज़ों की जो किसी भी थाली में चार चांद लगा देती हैं। ये है इंस्टेंट मिर्ची का अचार और रेस्टोरेंट में जैसा मिलता है प्याज का सलाद, बिल्कुल वो। तो ये दोनों बहुत ही आसान और फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी हैं और यकीन मानिए आप किसी भी खाने के साथ इनको सर्व करेंगे ना तो आपके खाने का मज़ा चार गुना बढ़ जाएगा। और आपने किसी भी छोले भटूरे वाली जो शॉप वगैरह होती हैं वहाँ पे इन्हें आराम से देखा होगा। ज़्यादातर थालियों का एक अहम हिस्सा होते हैं ये दोनों चीज़ें, मिर्ची प्याज की जोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे बनाना है। मेरे ये जो दो जार हैं आप तो जानते ही हैं, मैं इनमें किसी ना किसी तरह की चटनी या अचार वगैरह बना के रखती रहती हूँ। तो ये दोनों ही ऑलमोस्ट खाली हो गए थे, बस इनको मैंने साफ कर लिया था, धो लिया था और अब इनको सूखा कर रही हूँ। हमेशा जितने भी अचार और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, एकदम साफ़ और सूखे बर्तनों में ही स्टोर करना चाहिए और हो सके तो कांच के बर्तनों में स्टोर कीजिए। इससे उनका कलर और टेस्ट ख़राब नहीं होता है, लाइफ भी बढ़ जाती है। तो बस मैंने जब दोपहर में सफाई की थी बर्तन वगैरह तो इनको भी धो लिया था। और ये जो कंटेनर है स्टील का, ये मेरा घी का कंटेनर है, तो लगे हाथ में घी भी बना रही हूँ। काफ़ी सारी मील प्रेप आप इसे कह सकते हो, अपने आप में डिनर नहीं है ये, लेकिन बहुत ज़रूरी है। आप बना लेंगे तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा खाना खाकर। तो बस मैंने ये जो मिर्चें हैं सारी मिर्चों के डंठल उतार लिए हैं। आप चाहे तो रख सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर आजकल बारिश में थोड़े गले गले से डंठल हो जाते हैं इसलिए मैंने वो हटा दिए। इनको अच्छी तरह से धो लिया है और पोंछ कर रख लिया है। और मिर्चें लेनी कैसी हैं, हो सके तो ऐसी मिर्चें लीजिएगा जो बहुत तीखी ना हो, या आप तीखा पसंद भी करते हो तो उस तरह की मिर्चें लीजिए जो आप बर्दाश्त कर पाएँ। बहुत तीखी मिर्चों का अचार बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मुझे छोटे वाले प्याज तो मिले नहीं थे, बेसिकली सलाद में छोटे छोटे प्याज जाते हैं तो वो नहीं मिले थे, पर मैंने बड़ी प्याजों को ही इस तरह से काट लिया है। आप चाहे तो रिंग जैसे काटते हैं ना हम सलाद की, अनियन का सलाद रिंग स्टाइल में, आप वो भी काट सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक छोटा बीट रूट था, पहले मैंने इसका ये आधा लिया, मुझे लगा आधा काफ़ी होगा, बट बाद में जब मैंने देखा तो मुझे ये प्रोपोर्शन ठीक नहीं लगा। तो लगभग 5-7 बड़े प्याज के सामने आपको एक बीट रूट चाहिए होगा। तो वहाँ पे बीट रूट और ऑनियन मैंने काट के रख लिया और यहाँ पे मिर्चें साफ़ करके सुखा के मैंने पहले ही रख ली थी। थोड़ा इनको हवा लगा देने के बाद मैं इनको चीरा मार रही हूँ। आप देखिए रैंडमली चीरा मार दीजिए, एज सच कोई रूल नहीं है और इनको स्प्लिट करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस रैंडम चीरा मार दें जिससे इनके अंदर तक थोड़ा स्वाद चला जाए। और ये मिर्ची का अचार इंस्टेंट होता है, बन भी इंस्टेंट ही जाता है और आप इसे बहुत वक्त तक नहीं रख सकते हो। 4-5 दिन फ्रिज में अच्छा चलता है, इससे ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं होती, इसलिए मिर्ची की क्वांटिटी आप थोड़ा हिसाब से लीजिएगा। ऐसा ना हो आप आधा 1 किलो मिर्चों का अचार डालें और फिर वो ख़राब हो जाए। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, इनफैक्ट ये वाला अचार उन दिनों पर बड़ा अच्छा रहता है जब आपने घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह रखी हो, तो इस तरह यू नो थाली की शान बन जाती हैं इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी लाइक अचार, पापड़, सलाद, इससे एंड रायता, ऑब्वियसली चटनी वगैरह, इससे हमारी थाली का टेस्ट बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो मैं आपको बता रही थी मिर्चें उतनी लीजिएगा जितनी आप 4-5 दिन में कंज्यूम कर पाए। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ जो प्याज का सलाद है ना, उसके लिए पानी। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप जो है पानी लिया है, पीने वाला पानी, और 1/4 कप चीनी, स्वाद के हिसाब से लगभग 1 टेबल स्पून नमक मैंने यहाँ डाला है। और यहाँ पर इस पानी को एज सच उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे गर्म कर रही हूँ जिससे नमक और जो चीनी है वो अच्छी तरह से घुल जाए। इसी में मैंने बीट रूट डाल दिया जिससे उसका रंग निकलना जल्दी से शुरू हो जाए। इसको उबालने की या बीट रूट को पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खाली 1 मिनट काफ़ी है। जैसे ही आपको लगे चीनी घुल गई है बस आप गैस बंद कर दें और इसको उतार लीजिए गैस से और ठंडा कर लीजिए। इस पानी को आप प्याज में मिलाएं, उससे पहले मेक श्योर कीजिए कि ये एकदम ठंडा हो,
गर्म नहीं, वार्म नहीं, ल्यूक वार्म नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम ठंडा। अदरवाइज़ आपका जो प्याज का सलाद है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको बिल्कुल उबाला नहीं है, बीटरूट डालने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि कलर थोड़ा अच्छा आ जाएगा। उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। मीनवाइल मैं मिर्ची का अचार बना रही हूँ और यहाँ मैंने घी भी चढ़ा दिया है पकने के लिए। घी तो अपने आप पक जाता है इसलिए उस पर टेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी कढ़ाई है मेरी, ये मायर की कढ़ाई है स्टेनलेस स्टील की। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, एक डिस्काउंट कोड भी रख दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मायर की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो डिस्काउंट कूपन आप लगा के ये कढ़ाई खरीद सकते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया था, इसको थोड़ा सा पका लिया है और इसके बाद ये जो मिर्चें थी इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, इसको मैं तेल में डाल के थोड़ी देर पका लूँगी। और इसको थोड़ा ध्यान से पकाइएगा क्योंकि ये थोड़ा सा छिटकता है, इसके बीज बीज उछलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से। और थोड़ा सा ये पक जाए, आपको लगने लगे कि इसके ऊपर यू नो वाइट वाइट स्पॉट्स आने लगे हैं, ये भुनने लगी है, तब आप इसमें नमक डाल दीजिए और इसके बाद इसका पानी छूटना शुरू होगा। तो फुल फ्लेम करके आप इसे एक से डेढ़ मिनट पका सकते हो। मैंने जो मिर्ची ली है ये बहुत तीखी वाली नहीं है और काफ़ी टेंडर भी हैं, इनको पकाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। और वैसे भी इस अचार को ज़्यादा वक्त तो लगता ही नहीं है, पर आप सॉफ्ट मिर्च लेंगे तो और भी फटाफट बन जाएगा। बस मैं ऐड कर रही हूँ इसमें एक टेबल स्पून जैसा आमचूर और एक ही टेबल स्पून जैसा धनिया का पाउडर। इतने मिर्चों के लिए इतना धनिया और आमचूर जाएगा। आप मिर्ची अगर कम ज़्यादा लेते हैं तो उसके हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कीजिएगा। बस इसको मिला के मैक्सिमम एक मिनट और भूनेंगे हम, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है और कोई मसाला इसमें नहीं जाता है। और ये रेडी है और आप इसे खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। जब हम बाहर कहीं फेमस शॉप पे छोले भटूरे खाने जाते हैं ना, तो वहाँ पे इस तरह की जो मिर्चें होती हैं, ऐसा प्याज होता है और वो खट्टे आलू होते हैं, उन्हीं से बेसिकली छोले भटूरे का जायका बनता है। अपने आप में छोले भटूरे उतने टेस्टी नहीं लगते हैं जितना इन सब चीज़ों के साथ खाने से टेस्टी लगते हैं। काम करते करते थोड़ा किचन गंदा हो गया तो मैं बस थोड़ा सा इसे क्लीन अप कर लूँगी। थोड़ा गंदा लगता है किचन तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उस गंदगी पे वापस चीज़ें रखने में। तो ये वाला जो बोल है मेरा, छोटा वाला बर्नी, इसमें ये मिर्चें एकदम ठंडी हो चुकी हैं, एकदम ठंडी, बिल्कुल इसमें गर्माहट नहीं है। तो अब मैं इन्हें इसमें स्टोर कर दूंगी। अगर ज़रा भी गर्माहट होगी ना तो उससे फिर इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा आपकी बर्नी के अंदर और अचार बहुत तेज़ी से सड़ने लगता है। तो एकदम कोशिश कीजिएगा एकदम ठंडी हो, ज़रा भी गर्माहट नहीं होनी चाहिए। बर्नी का मुँह मैं साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि डालते डालते मिर्ची थोड़ा सा अचार का मसाला इधर उधर लग गया है। बस वो क्लीन करके मैं इसे लिड लगा के रख दूंगी और ये मेरा मिर्ची का इंस्टेंट अचार हो चुका है, एकदम रेडी। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये अचार इंस्टेंट है, जितनी जल्दी बनता है उतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाता है और उतनी ही कम इसकी लाइफ भी है। बहुत सारी मिर्चें का अचार मत बनाइएगा, सिर्फ उतना जितना आप एक हफ्ते जैसे में, मतलब 4-5 दिन में ख़त्म कर पाएँ आपकी फैमिली के हिसाब से, सिर्फ उतनी ही मिर्चों का अचार बनाइएगा। तो मिर्चों का अचार हो गया है रेडी। अब चलते हैं प्याज के अचार की तरफ, या सलाद कह सकते हो आप इसे। तो बर्नी साफ़ करके मैंने इसमें सारे जो प्याज थे वो डाल दिए हैं और ये थोड़ी सी हरी मिर्ची, आप चाहें तो काली मिर्ची डाल सकते हैं, यहाँ पे काली मिर्ची होल या कूट कर कैसे भी डाल सकते हो, मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। इन मिर्चों को भी बाद में खाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कुकिंग वाइट विनेगर होता है जो यूजुअली चाइनीज़ खाने में हम डालते हैं, बहुत आराम से एकदम सस्ते दाम पे ये बोतल कहीं भी मिल जाती है। तो एक कप पानी मैंने लिया था, इसके सामने 1.5 कप विनेगर मैं डालूँगी इसमें। और एक बार आप बना लेंगे ना तो आपको आपका जो टेस्ट है वो पता चल जाएगा कि आपको इसे और खट्टा बनाना है या मीठा बनाना है। मैं इस तरह बनाती हूँ इसलिए मेरा चीनी और विनेगर का ये प्रोपोर्शन है। आप बना के देखिएगा और फिर मुझे लगता है आपको पसंद तो आएगा, पर अगर आपको कुछ लगता है कि खट्टा कम है या मीठा कम है या जो भी, वो अगली बार आप एडजस्ट कर सकते हो। तो बीटरूट वाला पानी एकदम मैंने ठंडा कर लिया था और इसको मैंने मिला दिया है प्याज में। एक अच्छा सा क्विक सा स्टर मैं इसे दे दूंगी और इसको भी बर्नी लगा के रख दूंगी। ये तो एक दिन में तैयार हो जाता है, इमिजिएटली नहीं खा पाएंगे आप इसे। मिर्चें आप अभी एकदम खा सकते हो, पर इसको कम से कम एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये खाने के लिए तैयार होगा। तो ये हो गई हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल ऑनियन का सैलड तैयार, और मिर्चें भी बहुत यमी लगती हैं और सूखी सब्जी या पराठे वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी मिर्चें।
और फिर से थोड़ा सा गंदा हो गया तो साफ कर रही हूँ। और देखिए एक रात मैंने छोड़ दिया था इसको, तो कैसा इसका लुक हो गया है, एकदम पिंक हो गई है मेरी प्याज। और ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और बस पैरेलली घी भी जो है मेरा वो बन ही गया था, तो उसे भी मैंने छान लिया। और इस तरह मेरा थोड़ी ही देर में कितनी सारी चीज़ें तैयार हो गई। ये अपने आप में खाना नहीं है, पर ये खाने की शान है, जान है मैं कह सकती हूँ। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और रेसिपीज़ अच्छी लगी है। आपको वीडियो और रेसिपी अच्छे लगे हैं तो आप इसे एक लाइक दे सकते हो। आपकी राय मुझसे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।